ये यहाँ से ऊपर से लाएंगे, सिंगल या डबल आ सकते हैं। रेट्स कैसे क्या है, कहाँ से बुकिंग करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। भाई ये पहनना पड़ा आखिर। अरे भाई 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 क्या हो भाई। अभी फिर से ग्राउंड पे आ गए भाई, एटीवी का राइड किया, उस साइड गए थे मतलब जिप लाइन भी किया, और अभी आए मैं किधर आए अभी, ट्यूब राइड पे। ये यहाँ से ऊपर से लाएंगे, सिंगल या डबल आ सकते हैं। अभी बाकी के लोग गए, फिर मैं जाऊंगा, मैं वीडियो लेने के लिए खड़ा हूँ उधर। मस्त मजा आ गया मनाली का। ये जो ग्राउंड है ना, ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये रोपवे जैसे वो गुलमर्ग में गंडोला होता है ना, यहीं पे यहाँ पे भी रोपवे, लेकिन उधर ज़्यादा जगह है, इधर ऊपर इतना जगह नहीं, इधर फॉरेस्ट है। और स्कीइंग भी करेंगे अभी। इधर जो है ना वो साइड पैराग्लाइडिंग है, और इधर ऊपर गए तो वो साइड बड़ा वाला पैराग्लाइडिंग है, मतलब ये हाफ है वो फुल है। उसके रेट्स कैसे क्या है, कहाँ से बुकिंग करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो ठीक है, अभी बता देता हूँ। देखो भाई, हमने जो है ना, हमने यहाँ पे एक बंदा ढूंढा, उससे हमने ये सब करवा लिया, हमने एक पैकेज लिया, पैकेज में हमने कर लिया चार चीज़ें हमने की, एटीवी राइड थी उसमें, इसमें जिप लाइन था, उसमें अभी एक ट्यूब राइड है और स्कीइंग भी है। अगर आपको पैराग्लाइडिंग करना है, देखो ये सामने पैराग्लाइडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ये रोप वे से ऊपर जाना पड़ेगा। आप सीधा घूमने के लिए भी जा सकते हो, 700 रुपये उसका टिकट है, और उसका जो बुकिंग है वो वहाँ से सामने से करना पड़ेगा, तो पैराग्लाइडिंग के लिए। और इस सीधा अगर रोप वे से जाना होगा तो यहाँ से हो जाएगा, इसका 700 रुपये टिकट है। आप ऊपर जाके आपको जितना देर चाहिए आप उतना देर वहाँ पे रुक सकते हो, फिर आप नीचे आ जाओगे। ये शाम तक चलते ही रहता है ऊपर नीचे। और पैराग्लाइडिंग के लिए ऊपर उस टॉप पे लेके जाएंगे आपको, और फिर वहाँ से ये फुल वाला पैराग्लाइडिंग होगा, और जो शॉर्ट वाला है वो यहाँ से नीचे से है। और इसका जो बुकिंग है पैराग्लाइडिंग का, वो वहाँ पे, वो देखो पैराग्लाइडिंग बुकिंग सेंटर पर, वहाँ से पैराग्लाइडिंग का बुकिंग है, और वो हाफ वाला यहाँ से। तो चलो अब देखते हैं। और ये जो है ये ट्यूब राइड, अब एक एक करके बंदे आएंगे, फिर मैं जाऊँगा। मज़ा आ गया, अच्छी एक्टिविटीज़। पूरा सराउंडिंग जो है ना ये माउंटेन्स से, और इतना ये ग्राउंड है। नॉन स्नो सीजन में कैसा दिखता है मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तो मज़ेदार है। थोड़ी भीड़ कम हुई अभी, क्योंकि शाम के 4 बज गए ना भाई। ये पहनना पड़ा आखिर, क्योंकि क्या है कि ये जो ट्यूब राइड को जा रहे ना, ये ट्यूब जो है ना ये गीला होता है, तो गीला होने के कारण क्या है कि पूरा पैंट शर्ट भीग जाएगा। उससे अच्छा मैंने भाई का जो सूट है वो निकाल लिया। तो पीछे नजारा मनाली का, 5 मिनट के लिए पहना है मैंने, ये निकाल लूंगा, मुझे पसंद ही नहीं आ रही। तो गाइस अभी हम स्कीइंग कर रहे हैं, हमारा एटीवी राइड हो गया, जिप लाइन हो गया, एटीवी राइड हो गया, और ये भी हो गया ट्यूब राइड भी हो गया। अभी ये आई कर रहे थे, मजा आ गया स्कीइंग करके, मेरा वो बॉडी वार्म हो गई। 45 मिनट्स हमने स्कीइंग की, यहाँ से स्टार्ट किया था, पूरा वहां तक पूरा ग्राउंड घूम के आई यहाँ से, यहाँ मजा आ गया बॉस। हम तीनों चारों लेग पे, भावेश भी था, भाई भी था,
सब करके ये देखो इसने तो अभी तक निकला भी नहीं है कुछ कैलोरीज बनो चलो अभी निकलते हैं थोड़ा कुछ खाना खाएंगे कुछ खाया ही नहीं है कुछ चटपट कुछ चाट वगैरह खाएंगे और फिर जाएंगे होटल पे और फिर डायरेक्टली डिनर होगा तो चलो करते कंटिन्यू मज़ा आ गया बॉस मनाली में तो चलो अभी मैगी और चाय ऑर्डर दी है तो चलो देखते हैं अभी मैगी कैसी चाय कैसी ऑर्डर तो दे दिए मज़ा आ गया आज गुरु मनाली और एक्सट्रीम मनाली की शाम और भाई ये पहाड़ों वाली मैगी ये भी ट्राई कर ली जाते जाते चलो भाई मैगी एंजॉय कर ली बहुत बढ़िया मस्त मैगी बनाई थी तो अभी चलते रिटर्न इवनिंग के 6:30 अभी टाइम हुआ है आते वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी लेकिन अभी जाते वक्त ऑलमोस्ट सभी गाड़ियाँ चले गई है बस हम ही बचे हुए थे लेकिन ये जो गोल्डन व्यू दिख रहा है ना सामने ये बढ़िया ये लाजवाब है ये देखने हमें मिल गया तो चलो इसे करते कंटिन्यू और जर्नी को करते एंजॉय मिलते अभी होटल में गुड इवनिंग तो अभी हम आ चुके रूम में होटल के रूम पे आ गए थोड़ा फ्रेश हो लिया और अभी डिनर को जाएंगे आज मजा आ गया यार पूरा मन भर के सभी एक्टिविटीज को एंजॉय किया तो मनाली बहुत अच्छा है यार एक बहुत सारी एक्टिविटीज की हमने 4-5 एक्टिविटीज की आपने देखा ही होगा ब्लॉग में अभी होटल पे अभी डिनर को जाएंगे 15-20 मिनट में फ्रेश होके बैठे और फिर उसके बाद बॉनफायर भी है और होटल का रूम देखा तो ये ऐसा मैंने दिखाया था ना तो ये सब रूम है तो ज्यादा कचरा हम फैलाते नहीं है रूम क्लीन रखने का कोशिश करते क्योंकि 2-4 दिन रूम यही रूम में आपको बिताने का है और अगर बाहर का नज़ारा देखना चाहे तो ये कुछ ऐसा है रात को तो शायद कुछ दिखेगा नहीं ये देखो भाई इतना ही बाहर ज़्यादा कुछ है ही नहीं ये हाईवे पे है और यहाँ सामने तो रिवर ही है मैंने वैसे मॉर्निंग में आपको दिखाया है तो चलो अभी जाते हैं डिनर के लिए तो गाइज डिनर करके हम आ गए थे बॉनफायर एंजॉय करने होटल के ही कैंपस में था लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था और उसकी वजह से कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए यहाँ पे वॉइस ओवर देना पड़ा लेकिन यहाँ पे मस्त वादियों में यार बॉनफायर एंजॉय किया और उसके बाद हम सीधा चले गए गेम्स खेलने और फिर गेम्स को एंजॉय किया हाँ ये डालेगा नहीं तो मैं व्लॉग में आ जाऊँ नहीं आ जाओ जबरदस्ती व्लॉग में आ ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हेलो गाइस तो अभी हमारा डिनर भी हो गया बॉनफायर में हम बाहर बैठे थे वो भी हमने एंजॉय कर लिया टाइम और नियर अबाउट 11 बजे में आ गए तो सोने से पहले हमने सोचा कि एक गेम खेल लेते क्योंकि कल भी टाइम मिला नहीं आज भी मिला नहीं तो आज हम खेल रहे तो हमारे साथ भावी शर्मा खेल रहे हैं ड्राइवर से और हमारे साथ ये हमारे ड्राइवर भारती मैडम तो अभी रूम पे आ गया हूँ मैं डिनर भी हो गया बॉनफायर में बैठा थोड़ी देर वहाँ पे एंजॉय किया वो भी मस्त लग रहा था क्योंकि बाहर ठंडी सामने रिवर है सामने पहाड़ी थी ठंडी ठंडी हवा चलती थी और उसमें गर्म हवा बॉनफायर में फायर में से आ रही थी वो भी मजा आ गया उसके बाद हमने थोड़ी देर गेम खेला आपने देखा होगा थोड़ी देर हमने टेबल टेनिस भी खेला तो आज का जो है पूरा दिन एकदम मस्त गया भाई लाजवाब मनाली जबरदस्त है हिमाचल प्रदेश की वादियाँ मनाली की वादियाँ एक नंबर बहुत पसंद आ गई मुझे तो आज की सभी एक्टिविटीज़ बहुत एंजॉय की हमने अपने देखा होगा एटीवी राइड की हमने सोलंग का जो मेन ग्राउंड था ना वहाँ पे हम गए थे सोलंग वैली का वहाँ पे रोपवे भी था लेकिन रोपवे हमने किया नहीं पैराग्लाइडिंग भी हमने किया नहीं क्योंकि शायद हम पैराग्लाइडिंग कुल्लू में करेंगे लेकिन हमने एटीवी राइड की हमने जिपलाइन की हमने ट्यूब राइड की और लास्ट में हमने स्कीइंग भी की 40-45 मिनट्स हमने स्कीइंग की सबने और 3-4 राउंड वहाँ पे लगाए वो क्या मुझे स्केटिंग आती थी पहले से तो थोड़ा इजी गया मज़ा आ गया लेकिन ऐसा लगता था कि और दो चार राउंड लगा ले लेकिन इतना टाइम नहीं था क्योंकि अंधेरा होने वाला था और अंधेरा होते ही क्या है कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आप एंजॉय करिए ब्लॉग मज़ेदार होंगे मैंने बोला था ना पिछले ब्लॉग में कि आने वाले ब्लॉग्स मज़ेदार होंगे थोड़ा लेट आया ब्लॉग लेकिन ज़बरदस्त आएगा इंस्टाग्राम का आईडी भी अपना वो भी जयेश पाटिल ब्लॉग्स के नाम से वहाँ पे ही रेगुलर अपडेट्स आते हैं ब्लॉग्स के पहले सभी अपडेट्स वहाँ पे आते हैं हमारे तो वो भी फॉलो करना मत भूलिए तो चलो भाई करते इस ब्लॉग को यहीं पे एंड
अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।